क्योंकि आज वर्तमान जो सरकार है उसने प्रदेश का भाईचारा बिगाड़ा है, जातियों को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। कोई भी ऐसा अवसर जो भी उनको हाथ आए जिसमें ध्रुवीकरण हो सकता है उससे वो चूकते नहीं है। ऐसे में कांग्रेस के साथी संकल्प लेकर के कि ना हम हरियाणा बर्बाद होने देंगे, ना देश बर्बाद होने देंगे और ना भाईचारा बर्बाद होने देंगे, तो वो संकल्प उन्होंने लिया है। और सोनिया जी का त्याग बलिदान जिस तरीके से इस देश के लिए है, जिस समर्पण के साथ उन्होंने कांग्रेस को दोबारा 98 से लेकर के और करीबन 2 दशक तक इसका नेतृत्व किया, हम समझते हैं कि आने वाले समय में भी कांग्रेस पार्टी को उनका मार्गदर्शन, क्योंकि आज से 2 दिन बाद राहुल जी अगले कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन सोनिया जी का मिलता रहे, उनकी लंबी और स्वस्थ आयु हो, उसके लिए भी हमने कामना की है। और हमें पूरा यकीन है कि राहुल जी के नेतृत्व में जैसे 98 से शुरू होकर के कांग्रेस ने पुनः पहले राज्यों में वापसी की थी और 2004 के बाद 2 बार UPA की सरकार बनी, सोनिया जी ने फिर भी त्याग किया, मनमोहन सिंह जी को अहम जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी, उसी तरीके से राहुल जी जल्द से जल्द कमान संभालें और उनके कमान संभालने के बाद प्रदेश में और देश में एक बार फिर माहौल बदलेगा और किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी हर वर्ग की नौजवान की आवाज़ को और मजबूती से वो बुलंद करेंगे। मुख्यमंत्री हिसार में एक 5 साल की बच्ची का जो रेप हुआ, मर्डर हुआ, हत्या हुआ, उसके बारे में देश में लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए दुर्भाग्य इसमें 12 साल से कम को फांसी देने का जो है ना ऐसा कानून बनाया जा रहा है, प्रस्ताव पारित कर। कानून तो मध्य प्रदेश का या हरियाणा का अलग नहीं हो, कानून तो पूरे देश के अंदर एक ही लागू होता है। उसके लिए रिकमेंडेशन हो सकती हैं प्रदेश की सरकार की हो, लेकिन जिस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर से जो छोटी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं और समाज के जो शोषित और पीड़ित वर्ग हैं, ये अभी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो डाटा आया उसमें भी चीज़ें निकल करके आई हैं कि हरियाणा से लेकर के देश के कई राज्यों में जहाँ भाजपा शासित जो राज्य हैं वहाँ पर इस तरह के जुल्म जाती, ख़ासतौर से जो रेप है, बलात्कार है और तमाम इस तरह के महिला शोषण की जो घटनाएं हैं तो लगातार बढ़ी है। सरकार को इसके पुख्ता इंतजाम करने चाहिए, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए और जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए कि जिम्मेदारी किसकी है, और अगर जिम्मेदारी कोई ढंग से नहीं निभाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार ना तो कोई कार्रवाई करती है ना जिम्मेदारी फिक्स करती है, ये सैर सपाटों में लगी हुई सरकार है। और दुबई में गए थे, वहाँ से क्या दुबई चले जाएं चाहे चांद पे चले जाएं, आना कुछ नहीं है इस धरती पे। जब तक मोदी सरकार है प्रदेश में, खट्टर सरकार है, यहाँ से जाना है। सारा पैसा जो है ये कहते थे विदेशों से लेके आएंगे, जो हमारे घरेलू जो निवेशक था वही बाहर चला गया है, बाहर का जो निवेशक है वो आना बंद हो गया है। उसका असर उद्योग धंधों के ऊपर भी पड़ा है, रोजगार के ऊपर भी पड़ा है और उसका पूरे देश की जिस तरीके से अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हुई है वो साफ इस बात का संकेत है कि इस सरकार से अब लोगों का भरोसा उठ गया है, चाहे वो उद्योगपति हो चाहे आम जनता हो।